हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विपिन भेंगरा है और कुछ दिन पहले हमने कोरोना रेंडरिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें पहला सीरीज़ में हमने टेक्सचर के अंदर फ्लोर, वुडन फ्लोर का टेक्सचर कैसे बनाते वो हमने देखा था। ठीक है, और ये सब टॉपिक्स जो आने वाले सीरीज़ में हम लोग आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम लोग कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने फ्लोर मटेरियल बना लिया था, आज के वीडियो में हम लोग बनाएंगे वॉल का मटेरियल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं अपने मैक्स फाइल में आ गया हूँ एंड यहाँ से मैं कोरोना मटेरियल ले लेता हूँ। ओके, एक और ले लूँगा, कॉपी कर लेता। ठीक है, यहाँ हम लोग स्कर्टिंग, नीचे को स्कर्टिंग है उस पर भी मटेरियल अप्लाई करेंगे एंड वॉल पर भी अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग स्कर्टिंग को ले लेते हैं, अप्लाई मटेरियल सिलेक्शन। ओके, स्कर्टिंग के लिए हमने मटेरियल अप्लाई कर दिया। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, सपोज़ बेसिक सिंपल मटेरियल हमने अप्लाई कर लिया, इस पर ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, मटेरियल सिलेक्टेड, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, टेक्सचर, टेक्सचर रेंडर। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा रीज़न ले लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ इस कटिंग के ऊपर हम लोग बात करेंगे, अप्लाई एंड टेक्सचर रेंडर। ओके, डार्क आ रहा है तो क्या कर सकते हैं यहाँ से, अगर ये हमें बनाना रहेगा तो ये सिंपल तरीका से हम लोग बना सकते हैं। कोई बनाना चाहेगा तो ऐसा भी स्कर्टिंग बन सकता है, बट आप ध्यान से देखोगे, इसको स्टॉप कर देता हूँ टेस्टेंडर को। डिटेलिंग एक प्रॉब्लम आती है इसमें स्टूडेंट्स को, ये क्या होता है ना कि जो काफ़ी डिटेल वर्क होता है स्कर्टिंग में वो विजिबल नहीं हो पाता है कई बार। ठीक है, एंड वॉल में भी जो कॉर्नर्स रहते हैं वो प्रॉपरली विजिबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, सो उसका सॉल्यूशन मैं आज आपको बताता हूँ। स्कर्टिंग के लिए मैंने अपने मटेरियल अप्लाई कर दिया है, जैसा फाइन डिटेल्स आपके अगर मॉडल में है तो उसको विजिबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट में आ जाएंगे यहाँ पर ब्राउज़र में, यहाँ से हम लोग ऑक्लूजन लेंगे, आई थिंक कोरोना ऑक्लूजन है सर, कोरोना एओ, कोरोना एम्बिएंट ऑक्लूजन, ये आप ले लो। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एम्बिएंट ऑक्लूजन क्या होता है। डबल क्लिक करोगे इसके ऊपर, आप देखोगे यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट कलर है ना, तो क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपस में मिलते हैं तो दोनों का जो बीच का एरिया होता है वो उसको शेडो क्रिएट करता है, यहाँ डार्क जो यहाँ डार्क कलर है, बाकी एरियाज को वाइट रखता है या उसका जो ओरिजिनल कलर है वो रखता है। यहाँ पर एम्बिएंट ऑक्लूजन में यही हेल्प करेगा, जो भी यहाँ पर टर्निंग्स हैं, कॉर्नर्स हैं, जो यहाँ डिटेलिंग है, उसके जो कॉर्नर्स बनेंगे उसको थोड़ा डार्क करने में मदद करेगा। ऑलराइट, तो इसको अप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, डिफ्यूज में इसको अप्लाई कर देंगे। अभी मैं इस पर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसी वैल्यू पर अप्लाई करके एक टेस्टर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डार्क है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैक डिस्टेंस की वजह से जो डार्कनेस है वो काफ़ी स्प्रेड हो रहा है, इसको कम करेंगे। अभी 3.2 फिट है, 1 फिट कर देते हैं, 1.5, राइट, एंड थोड़ा सा जो ब्लैक कलर को थोड़ा सा ग्रेस करता हूँ मैं, इतना ज़्यादा ब्लैक नहीं चाहिए मुझे, हल्का शैडो चाहिए, सॉफ्ट शैडो। अब देख सकते हो ये पहला है जब हमने एम्बिएंट ऑक्लूजन यूज़ नहीं किया था, डिटेलिंग कुछ भी नहीं दिख रही थी, फ्लैट लग रहा था, लेकिन एम्बिएंट ऑक्लूजन यूज़ किया तो डिटेलिंग काफ़ी अच्छे से दिख रही है। अभी आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो, जो भी उसके शैडो एरियाज है, जो भी उसके टर्न्स है, कॉर्नर्स है, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर उसने शैडो क्रिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ ये ऑक्लूजन कलर। ठीक है, एंड आपको मैक डिस्टेंस भी थोड़ा कम करना, अदरवाइज वो जो डार्क एरिया है वो स्प्रेड करने लगता है, जो डार्क ग्रेडियंट है वो बाकी एरिया में स्प्रेड होने लगता है, तो वो अपने हिसाब से आप उसको मैनेज करोगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग स्कर्टिंग का टेक्सचर बना चुके थे, अब हम लोग वॉल का टेक्सचर बनाएंगे। तो मैं यहाँ वॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से कोना मटेरियल ले लेता हूँ, ये कोना मटेरियल मैंने ले लिया। वॉल का टेक्सचर मुझे बनाना है, इसका नाम दे देता हूँ मैं वॉल, वॉल। ठीक है, क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे अपने मैप पर। ठीक है, ये कॉन्क्रीट मैप हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए यहाँ पर। अभी हमने एम्बिएंट ऑक्लूजन यूज़ किया था, सेम यहाँ पर भी हम लोग एम्बिएंट ऑक्लूजन यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, एम्बिएंट ऑक्लूजन यहाँ से ले लेते हैं,
ताकि ये जो कॉर्नर्स है ये प्रॉपरली हमें दिखाई दे। ये चला जाएगा आपका अनओक्लूडेड में जो वाइट पोर्शन है, ताकि जो कॉर्नर्स है वो मेरा थोड़ा डार्क रहे। एंड जैसे हमने पहले भी उसमें किया था, इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। एंड ये हमने कितना रखा था उस समय, कुछ 0.5 के करीब रखा था ना, सेम 0.5 सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ग्रे टोन 0.5 बस इतना काफ़ी है। ये चला जाएगा आपका डिफ्यूज़ में, इसका एक कॉपी बना लेंगे हम लोग यहाँ पर। ये हम लोग देंगे आपका रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस में, और यहाँ से हम लोग ले लेंगे, यानी लास्ट वीडियो में भी हमने कलर करेक्शन का यूज़ किया था, कलर करेक्शन ले लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे कलर करेक्शन पर, मोनोक्रोम, जिसमें बताया कि ब्लैक एंड वाइट वैल्यू ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो किसी भी कलर का रहेगा उसको वो ग्रे टोन में बदल देगा। एंड देन यहाँ से ब्राइटनेस जितना करोगे उतना शाइनी करेगा, तो बहुत ब्राइट नहीं करेंगे, वॉल है तो बहुत ज़्यादा शाइनी होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे ब्राइटनेस को अपने हिसाब से एडजस्ट, एक बार टेस्ट यूनिट देख लेते हैं, उसके बाद से ब्राइटनेस को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। एंड सेम चीज़ जाएगा आपके बम्प मैप में। ओके चलो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, राइट क्लिक असाइन मेथड टू सिलेक्शन एंड टेस्ट रेंडर। देख रहे हो कॉर्नर्स काफ़ी अच्छे से डिफाइन हो रहा है यहाँ पर, टेक्सचर भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रॉपरली विजिबल हो रहा है। रियलिस्टिक कंक्रीट का जो पोर्स होते हैं ना वॉल में, जो सीमेंट के कंक्रीट के जो पोर्स होते हैं, वो भी प्रॉपरली दिख रहा है मेरे टेक्सचर की वजह से। एंड यहाँ पर कॉर्नर्स आपको देखो काफ़ी वेल डिफाइंड डार्क एजेस आया है, ये आया मेरा एम्बिएंट ऑक्लूजन जो हमने यूज़ किया उसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पर भी प्रॉपरली डिफाइंड हो रहा है, ये भी प्रॉपरली डिफाइंड हो रहा है कॉर्नर्स। कई बार मेरे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि कॉर्नर्स प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होते, तो अगर आप एम्बिएंट ऑक्लूजन का यूज़ करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपकी जो डिटेलिंग्स अच्छे से दिखाई देंगी। एक और क्वेश्चन शायद आपके मन में आया होगा, ये तो सिंपल वाइट कलर का वॉल है, अगर मुझे कलरफुल वॉल बनाना है बेज कलर पे या लाइट ग्रीन इस कलर में वॉल बनाना है, तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि डिफ्यूज़ में तो हमने टेक्सचर अप्लाई कर दिया ना, जो जेपीजी इमेज है वो हमने अप्लाई कर दिया है डिफ्यूज़ में, तो यहाँ पर कलर चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर मुझे कलर चेंज करना है तो क्या करेंगे। फिर मैं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम लोग डिफरेंट कलर ऑफ वॉल्स कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोरोना कलर ले लेते हैं, कोरोना कलर मैप, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कलर ले लेंगे, जैसे यहाँ आप डबल क्लिक करते हैं और सॉलिड कलर है, इसको मैं हल्का बेज कलर ले लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही येलो ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले प्रॉपरली, हाँ ओके। एंड ये कलर और मेरा आपका जो प्लास्टर है, जो टेक्सचर है, इन दोनों को मिक्स करने के लिए मुझे कुछ चाहिए, हाँ, ताकि कलर ये दोनों मिक्स हो सके, तो हम लोग इसके लिए क्या लेंगे, कंपोजिट मैप लेंगे, ठीक है। कंपोजिट मैप, जनरल वाला कंपोजिट मैप, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं मैं टेक्सचर, उसके बाद इसको ला के अप्लाई करेंगे यहाँ पर अनओक्लूडेड में, बाद में अप्लाई कर देंगे। कॉपी ले लेते हैं इसका, एक कलर हमने ले लिया और यहाँ से हमने अपना जो वॉल का टेक्सचर है वो ले लिया। थोड़ा मैं कंपोजिट मैप के बारे में बता देता हूँ, फिर आगे मैं इसको यूज़ करके बताऊँगा। डबल क्लिक करोगे आप कंपोजिट में, राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी आएगी, यहाँ पर देखोगे लेयर वाइज है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक लेयर रहता है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप मल्टीपल लेयर बना पाओगे। अब यहाँ क्या होगा ना, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो सब एक एक लेयर में असाइन होगा, एंड हर लेयर को आप इंटरैक्ट कर सकते हो, यहाँ से ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे, कलर ये लेयर वाइज, सबसे पहला लेयर नीचे रहेगा, दूसरा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं कलर रहे ये ऊपर रहे, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे लेयर टू में, आपका जो ये डॉट मैप है अब वॉल का, ये जाएगा लेयर वन में, बस दैट्स इट। कंपोजिट में आओगे यहाँ पर, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन प्रीव्यू कर लेता हूँ ताकि आराम से आप देख पाओ। ओके, जो पहला लेयर है वही विजिबल होगा, नीचे का लेयर विजिबल नहीं होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ब्लेंड करेंगे। नॉर्मल में आ जाओगे, दो बार क्लिक करो एंड जस्ट स्क्रॉल करो, जो भी आपका सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है वो आने तक आप इसको स्क्रॉल करोगे, ठीक है। ऐसे मल्टीपल ऑप्शन आप यहाँ से ले सकते हो। अभी के लिए मैं लीनियर बर्न लेता हूँ, ठीक है। ज़्यादा डार्क यहाँ पर मैंने बेज कलर लिया है, ताकि मैं बाद में रेंडर जब करूँगा ना, तो कितना मुझे चाहिए उसके हिसाब से मैं ओपेसिटी कम कर दूँगा। सपोज़ ये ज़्यादा ही मुझे येलो लग रहा है, तो मैं इसको ओपेसिटी कम करूँगा, तो देखोगे कलर थोड़ा लाइट होता चला जाएगा, 50% में हाफ हो गया उसका, 50% में और हाफ हो जाएगा, 10% में और कम, 0 कर दूंगा तो ये नज़र ही नहीं आएगा, नीचे का जो लेयर है वो दिखेगा।
तो ये रेंडम में मैं चेक करूँगा कि मुझे कितना ज़्यादा उसको बेस टोन देना है, ठीक है। इसलिए अभी के लिए थोड़ा सा डार्क ही लिया हूँ ताकि परसेंटेज वाइज मैं उसको, ओपेसिटी वाइज मैं उसको कम कर सकूँ। अभी के लिए 30 रखता हूँ मैं। सो इस तरह से आप वॉल पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो कंपोजिट के हेल्प से, ठीक है। चलो अब ये चला जाएगा हमारा, ये जो पहले का सिंपल वाला टेक्सचर था वॉल का, ये हट जाएगा। अब कंपोजिट कलर के साथ ये आ जाएगा हमारे अनओक्लूडेड, बाकी सब सेम है। अनओक्लूडेड चला के डिफ्यूज़ में और यहाँ पर कलर करेक्शन करके ग्लॉसिनेस और बम्प मैप में आ गया है। ओके सो अभी टेस्ट रेंडर लेते हैं फिर से। पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ ताकि कंपैरिजन करके देख सकें। और क्या करेंगे ना, छोटा सा एरिया ले लेते हैं ताकि जल्दी रेंडर हो। बाकी देख सकते हो कलर प्रॉपरली आ रहा है एंड बाकी सब ठीक है। ऑक्लूजन भी प्रॉपरली काम कर रहा है, टेक्सचर भी प्रॉपरली काम कर रहा है, कलर भी अच्छे से आ गया है, ठीक है। तो पहला जो हमारा टारगेट था कि प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, कॉर्नर्स डिटेलिंग प्रॉपर दिखनी चाहिए, वो भी हमने अचीव कर लिया एम्बिएंट ऑक्लूजन से। एंड अगर क्लाइंट कहता है कि डिफरेंट कलर ऑफ वॉल चाहिए, हल्का बेज कलर का आपको वॉल का कलर चाहिए या हल्का ग्रीन कलर का, किसी भी कलर का आपको बनाना रहेगा, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ से कोना कलर आप ले लोगे, कलर चेंज करो, कंपोजिट मैप लो, यहाँ पर दोनों को मिक्स करके अनओक्लूडेड में अप्लाई कर दो। बस इतना ही करना है आपको, आपका बहुत अच्छा टेक्सचर रेडी हो जाएगा।